जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बी फर्स्ट ईयर बॉटनी के अंतर्गत बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूँ और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोगों ने जाना तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासीफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया के वर्गीकरण की तो यदि हम बात करें बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन का कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है यानी कि अगर देखा जाए बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को तो कई आधार पर डिवाइड किया जा सकता है जैसे कि सेप और मार्फोलॉजी के आधार पर पैथोजेनिसिटी के आधार पर गैसियस रिक्वायरमेंट के आधार पर लोकोमोटरी आर्गेंस यानी कि फ्लजला के आधार पर स्पोर के आधार पर मूड ऑफ न्यूट्रेशन के आधार पर तो बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के जितने भी बेसिस है जितने भी आधार हैं मैंने उनको समराइज़ कर दिया हुआ है आज के इस वीडियो में हम सेप और मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को कैसे डिवाइड किया गया है इसके बारे में जानेंगे तो आई बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी एंड सेप इन द ईयर 1872 सेवनटी टू साइंटिस्ट कोहन क्लासीफाइड बैक्टीरिया इन फोर मेजर टाइप डिपेंडिंग ऑन देयर सेप आर एज फॉलो तो अट्ठारह में साइंटिस्ट थे ने उन्होंने बैक्टीरिया को उनके सेप के अकॉर्डिंग चार मेजर पार्ट में डिवाइड किया तो फर्स्ट कैटेगरी है कोकाई सेकंड है बेसिलाई थर्ड है विब्रियो और फोर्थ है स्पाइरिला इसके अलावा कुछ सेप के अकॉर्डिंग अदर भी कैटेगरी है जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोकाई की दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर स्फेरिकल और इलेप्टिकल इन सेप तो जो कोकाई है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है मतलब कोकस से बना हुआ है जिसका मतलब होता है स्फेरिकल तो जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो स्फेरिकल यानी कि गोल या फिर इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार संरचना के होते हैं आइदर दे मे रिमेन एज ए सिंगल सेल और मेनी एग्रीगेट टूगेदर फॉर वेरियस कन्फिग्रेशन दे आर एज फॉलोस तो अगर हम बात करें कोकाई बैक्टीरिया की तो ये जनरली या तो सिंगल होते हैं या फिर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो इस आधार पर इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया तो है तो ये देखते हैं कोकाई बैक्टीरिया की कौन सी अलग अलग कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट के अनुसार इनका जो फर्स्ट टाइप है वो है मोनो दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोकाकस एंड रिस्पेक्टेड बाय सिंगल राउंडेड स्ट्रक्चर तो मोनोकाकस को हम माइक्रोकाकस भी कहते हैं जैसा कि नाम से क्लियर है मोनो मोनो का मतलब होता है सिंगल तो इसमें सिर्फ एक राउंडेड सिंगल सेल कॉकस बैक्टीरिया पाया जाता है इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकॉकस फ्लेवर्स आइए देखते हैं दूसरा टाइप क्या है तो सेकेंड टाइप है डिप्लोकॉकस। द सेल ऑफ डिप्लोकॉकस डिवाइड्स वंस इन ए पर्टिकुलर प्लेन एंड आफ्टर डिवीजन द सेल रिमेन अटैच टू ईच अदर फॉर एग्जाम्पल डिप्लोकॉकस निमोनी। तो डिप्लोकॉकस बैक्टीरिया में वे कॉकस बैक्टीरिया आते हैं जो कि डिवीजन के समय अलग नहीं हो पाते और एक साथ ही रहते हैं यानी कि इनमें दो मोनोकाकस आपस में एक साथ जुड़े रहते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो डिप्लोकाकस निमोनिया है और फिगर में आप देख सकते हैं डिप्लोकाकस बैक्टीरिया का कॉकस बैक्टीरिया का तीसरा टाइप है स्टेप्टोकॉकस हियर द सेल डिवाइड रिपीटेड डिवीजन इन वन प्लेन टू फॉर्म चेन ऑफ सेल्स तो इसमें होता क्या है कि जो कॉकस बैक्टीरिया होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं और आपस में जुड़ते रहते हैं और इस प्रकार से एक चैन चे, नुमा संरचना बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेप्टो काकस जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं वही हम बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल है स्टेप्टो काकस पायोजींस चलते हैं काकस बैक्टीरिया के अगले टाइप की ओर जो कि है बैक्टीरिया आर अरेंज इन ग्रुप ऑफ फोर सेल दैट रिमेन एंड ग्रो इन द अटैचमेंट आफ्टर सेल डिविजन दिस अरेंजमेंट रिजल्ट वेन द सेल डिवाइड इन टू टू प्लेट तो जैसा कि नाम से क्लियर है टेट्रा टेट्रा टेट्रामी फोर तो इसमें चार काकस बैक्टीरिया होते हैं और टेट्रा का अरेंजमेंट तभी बनता है जब डिवीजन टू प्लेन में होता है एग्जाम्पल की बात करें तो एरोस पेडियोस ये सभी टेट्राकॉकस के एग्जाम्पल है और फिगर में आप टेट्राकॉकस बैक्टीरिया को देख सकते हैं कॉकस बैक्टीरिया का अगला टाइप है सारसिना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो बात करें हम सारसिना की इन दिस केस द सेल डिवाइड्स इन थ्री प्लेन बट दे फॉर्म ए क्यूब लाइक कन्फिग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ एट और सिक्सटीन सेल बट दे हैव ए रेगुलर सेप तो इस प्रकार के कॉकस बैक्टीरिया में क्या होता है कि जब सेल डिवाइड होते हैं वो थ्री प्लेन में डिवाइड होते हैं और एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें कि आठ से लेकर सोलह कोशिकाएं होती हैं और ये एक रेगुलर सेप में क्यूब फॉर्म बनाते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो सारसिनाल ल्यूटी बात करते हैं कॉकस बैक्टीरिया के अगले और लास्ट टाइप की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है स्टेफाइलो कॉकाई दिस टाइप ऑफ कॉकस बैक्टीरिया आर अरेंज इन ग्रेप लाइक क्लस्टर तो इस तरह के जो कॉकस बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रेप लाइक -like, यानी कि अंगूर नुमा संरचना बनाते हैं दिस रिजल्ट फ्रॉम सेल डिविजन इन बोथ प्लान एंड आर करेक्टराइज बाई ऑर्गेनिज विच आर ई मोटाइल एंड ग्राम पॉजिटिव तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है यानी कि स्टेफाइलोकोकाई बनता है इसमें डिवीजन दो प्लेन में होता है यानी कि दोनों तरफ होता है बोथ साइड होता है ये बैक्टीरिया नॉन मोटाइल और ग्राम पॉजिटिव होते हैं एग्जाम्पल की बात करें स्टेफाइलो काकस एपीडर्मिडिसटेफाइलोकॉकस कैपिटिस तो और भी एग्जाम्पल है अदर आप देख सकते हैं तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की अगली कैटेगरी क्या है तो दूसरी कैटेगरी है बेसिलाई दीज आर रॉड shaped और सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया विच either remain रिमेन सिंगली और इन पेयर तो जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड सेब होते हैं या फिर हम कह सकते हैं सिलेंड्रिकल सेल होते हैं तो जैसा हम लोगों ने पीछे देखा कि काकस बैक्टीरिया अरेंजमेंट के अनुसार अलग अलग प्रकार के थे उसी तरह बेसिलाई बैक्टीरिया भी अरेंजमेंट के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं तो आइए देखते हैं अरेंजमेंट के अनुसार बेसिलाई बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं तो पहला टाइप है डिप्लो जैसा कि हम लोगों ने डिप्लो में पढ़ा था कि दो काकस बैक्टीरिया मिलकर डिप्लो बनाते हैं ठीक उसी प्रकार दो बैसिलस बैक्टीरिया मिलकर डिप्लो यानी डिप्लो बैक्टीरिया बनाते हैं दूसरा टाइप है स्टेप्टोबेसिलाई इन दिस ग्रुप बैक्टीरिया आर अरेंज इन चेन दिस रिजल्ट फ्रॉम सेल डिवीजन इन ए सिंगल चेन तो इस तरह के जो बैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं चेन फॉर्म में होते हैं जैसा कि हम लोगों ने काकस बैक्टीरिया में भी पढ़ा था और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेल का डिवीज़न होता है वो एक सिंगल प्लेन में होता है तो सभी चीज़ें आप जैसा देखेंगे जितने भी टर्म है वो आपको काकस बैक्टीरिया से मिलते जुलते दिखेंगे बस आपको वहाँ पर काकस की जगह बेसिलाई ऐड करना है अगला टाइप है कॉको बैसिलाई तो नाम से ही क्लियर है इसमें काकस और बैसिलस दोनों स्ट्रक्चर होंगे एज द नेम सजेस्ट कोको बेसिलाईज रिजम्बल इन बोथ कोकाई एज वेल एज बेसिलाई बात करते हैं बेसिलाई बैक्टीरिया के अगले टाइप की जो कि है पैलीसेट द बेसिलाई बेंड एट द पॉइंट ऑफ डिवीज़न फॉलोइंग द सेल डिवीज़न रिजल्टिंग इन ए पैलीसेड अरेंजमेंट रिजम्बलिंग ए पिकेट फेंस एंड एंगुलर पैटर्न दैट लुक लाइक चाइनीज लेटर तो जब बैसिलस बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते समय इनका जो सिरा होता है वो बेंड हो जाता है और जनरली ये आपस में जुड़े रहते हैं और ये ऐसे दिखते हैं जैसे कि कोई चाइनीज लेटर लिखा हो आप फिगर में देख सकते हैं पैलिसड बैक्टीरिया को जो कि बेसिलाई का एक टाइप है आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया के तीसरे टाइप की जो कि है विब्रियो द विब्रियो आदि मा से बैक्टीरिया एंड रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंगल जीनस तो ये जो विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं ये कर्व होते हैं यानी कि थोड़ा सा मुड़े होते हैं और जनरली आपको कॉमा के आकार के दिखाई देते हैं और इसमें केवल एक सिंगल जीनस पाया जाता है जो की है विब्रियो कॉलरी और इसी बैक्टीरिया के थ्रू कॉलरा रोग होता है तो नीचे इमेज में आप विब्रियो के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं बात करते हैं हम अगले टाइप की जो की है स्पाइरला जिसे हम स्पाइरुलम भी कहते हैं दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर स्पाइरल और स्प्रिंग लाइक विथ मल्टीपल कर्वेचर एंड टर्मिनल फ्लजला तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पाइरल यानी कि स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं यानी कि इसमें कई जगह पर आपको घुमाव या एठन दिखाई देगी और इसके इंड पर फ्लज्ला पाए जाते हैं जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं ये एक स्पायरल बैक्टीरिया है तो अभी तक हम लोगों ने सेब के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप कॉकस बैसिलस विब्रियो स्पाइरल ये सभी टाइप देखें इसके अलावा कुछ और भी अदर टाइप है आइए उनके बारे में भी देखते हैं तो इसमें पहला टाइप है फिलामेंटस बैक्टीरिया तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं यानी कि ये लंबे लंबे तंतुनुमा संरचना के दिखाई देते हैं जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं सेकेंड टाइप है स्टार सेप बैक्टीरिया तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि नाम से ही क्लियर है ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसका एग्जाम्पल है स्टेला चलते हैं अगले अदर टाइप के सेब की जो कि है रेक्टिगुलर बैक्टीरिया तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो आयताकार नुमा होते हैं ठीक है अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नीचे एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा हुआ है बात करते हैं अदर टाइप की बैक्टीरिया का फोर्थ टाइप जो है वो है प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया दीज बैक्टीरिया डू नॉट हैव एनी सेप ऑन लाइक ऑल अदर डिस्क्राइब अब तो जो प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया होते हैं इनका कोई सेप नहीं होता अभी तक जितने भी हम लोगों ने बैक्टीरिया पड़े उनमें कोई ना कोई सेप था बट प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया का कोई सेप नहीं होता दे कैन चेंज देअर सेप ये अपना आकार क्या करते हैं बदलते रहते हैं इन प्योर कल्चर दे कैन बी ऑब्जर्व टू हैव डिफरेंट सेप अब यदि हम इनका कल्चर करते हैं ठीक है तो ये हमें अलग अलग सेप के दिखाई देते हैं तो एग्ज़ाम्पल की बात करें माइको आप सभी ने सुना होगा स्मॉलेस्ट सेल भी है एक तरह से हम कह सकते हैं तो माइको एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया का एग्ज़ाम्पल है और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका सेप क्यों चेंज होता है क्योंकि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा माइको के बारे में स्पेशली तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें सेल वॉल अपसेंट होता है जिसके कारण इनका सेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता तो ये सभी चीज़ें माइको प्लाज्मा के बारे में हम आगे अगले दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने सेप और मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को देखा और यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया के उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये जरूर लिखिएगा कि इस बेसिस पे आप बैक्टीरिया के टाइप बताइए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में उसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी उसका बेनिफिट पा सके और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत